पार्क कर दिया भाई। सो गाइस हम तिलक नगर आए, काम मुझे नहीं था, काम अभिषेक बसरे को। भाई क्या मेरे को कहता कि भाई ब्लॉग में मतलब मैं नहा के नहीं आया। भाई तो क्या हो गया, मतलब थोड़ा कैजुअल रहना चाहिए ना भाई, क्या हो गया, कोई दिक्कत है? मैं सुबह उठ के आ जाता हूँ, ऐसे उठ के आता हूँ, पागल है, डरते हैं। पता है मेरी वीडियो में इतने सारे लोग आते ना कि हम सच धवर के आए, वो सच धवर क्या होता है, सच सवर के आए, ऐसे ही उठ के कहाँ जाना, भाग गया। उसको इतना डर लग रहा है कि मैं उसकी शक्ल ले आऊँगा कि वो आगे भाग गया। कैसे से लोग हैं यार, अभिषेक बसरा है मेरे साथ, उसको कुछ काम था तो वो काम कर रहा है। अब गोइंग बैक होम, अंधा ट्रैफिक था, अंधे ट्रैफिक से अभी दिखाता हूँ कितना ट्रैफिक है। भाई कौन सा मॉडल है? 2000 पता नहीं। इसकी बाइक जो थी वो 1974 की थी ना, ये साला मॉडल लग रहा है मेरे को इटर्नो का, ये 1947 का लग रहा है, जब भारत आज़ाद हुआ था। चल भाई घर चलते हैं हम। भाई कौन से शॉर्टकट से लेके जा रहा है भाई, ये स्पेशल शॉर्टकट है, जहाँ से हम आए हैं वहीं से। भाई कैसे दुकानों अंदर अंदर से दिमाग ख़राब कर दिया है इसको, सारे शॉर्टकट पता है भाई मेरे को, विकासपुरी के बाहर कुछ नहीं पता जहाँ हम रहते हैं, और इसको सारे शॉर्टकट पता है, कौन सी गली से कहाँ से निकलेगी, किसके घर से निकलेगी। चल भाई ओके चला। Hey guys, what's up? This is Mohit Bist and मेरी शक्ल से देख के आप कह ही सकते हो कि मैं इतना खुश नहीं लग रहा हूँ, although I'm dressed up, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था अगले वीडियो में I'll be dressed up, and मैं इतना खुश नहीं हूँ क्योंकि हम एक शादी में जा रहे थे, त्यागी है मेरे साथ, तो 11 बजे हमें टाइम देगा था सुबह की शादी है, तो इंडिया की शादी है 11 का 11:30 हम लेके चलते हैं भाई, 11:30 तो यही होगा ठीक है, सुबह 10:59 ठीक है, निकलने से एक मिनट पहले। सर भाई रोहिणी चल रहे, जरा काम आ गया कुछ, मतलब पूरा मैं रेडी था, मैंने कैमरा उठाया हुआ था व्लॉग करने के लिए, पूरा तैयार व्यार हो रहा था, मैं पहले के साले पूरा मूड खराब कर दिया, अंदर वेस्ट कोट पहना था, टाई पहना था, मैंने कहा छोड़ यार अब क्या, अरे जब पूरे शादी वादी खत्म हो जाएगी तब पहुंचेंगे हम खाना खाने के लिए सिर्फ, ऑल्दो हमारा पर्पस सारा वही है बट स्टिल हम खाना खाने के लिए सेटेड हैं भाई, लेकिन एंड एंड का बचेगा ना, फिर पनीर के पीस, लोग पनीर के पीस लेंगे, ग्रेवी ग्रेवी बचेगी, ये तो बात। मैं तो कह रहा हूँ 250 ग्राम पनीर लेके चलते हैं, वहीं काट के डाल देंगे ग्रेवी मिला के, आइडिया बुरा नहीं है वैसे, बाहर से खरीद लेते हैं क्योंकि देखो वो भी तो कच्चा पनीर होता है। हाँ तो ग्रेवी मिला देंगे ना, सही है भाई, चल डन है भाई, दूसरे को चाहते हैं पनीर अपने तरफ से लेके जा रहे हैं। अबे तो वो सगन नहीं चलाएंगे ना, पनीर बोलेंगे हमने पनीर डाला था। तो गाइस आप देखना, कमेंट करना नीचे, मतलब कौन सा स्मार्ट लग रहा है, ऑल्दो हम मतलब ऐसे सैंडोज और पजामे में मिलते हैं, आपने हमें ऐसे गेटअप में बहुत कम देखा होगा, कम देखा होगा, तो अभी उतर के पूरा लुक भी दिखाएंगे, बट आधे में जज कर लो ठीक है, तो बढ़िया सिंपैथी वोट दे देना त्यागी को, आपको मेरे को पता है, बोल गया कोई नहीं, वो मेरे को ही वोट देंगे तब, हैशटैग यार त्यागी अच्छा लग रहा है, कमेंट कर दो दिल से आपको, आप मेरे को पता है। तो गाइस त्यागी मुझे जिस काम के लिए लेकर आया था वो उस काम के लिए गया है, अभी यहाँ पे हम DCP ऑफिस के बाहर हैं, बड़ा आदमी है भाई त्यागी, आप हल्के में लेते हो उसको, बड़े बड़े लोगों से मीटिंग होती है उसकी, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, बट इंडियन शादी हमें पता है अभी टाइम से शुरू नहीं होती है, सब लेट करते हैं, लड़कियां लोग आराम से तैयार होती है, उनके चक्कर में सब कुछ लेट आता है। भाई हो गया तेरा काम, चले अब चले भाई, जिस काम के लिए आए थे फोटो तो आ रहे थे, घर चलते हैं, थप्पड़ मारूंगा शादी में, चल पड़ा लेट हो गया ऑलरेडी, भूख लग रही है शादी में, तो खाना वाना बंद हो गया होगा, फिर चल रहे होंगे अबे, थोड़ा वो उनके हलवाइयों के साथ बैठ के खा लेंगे ना, उनका थोड़ा बचा होता है कोटा, पनीर लेके जाना रास्ते में, 250 ग्राम पनीर भी तो खरीदना है अभी, देख लो दुकान कोई आएगी तो ले लियो, अभी ले लेंगे, बीच में डेरी आएगी। गाइस ये रोड देख रहे हो आप, इस रोड पे हम मतलब तीसरी चौथी बार चक्कर लगा रहे हैं आर पार, हमें जिस जगह आना था ना वहाँ पे भाई बंदा यहाँ पे रास्ता बता, हम पुलिस वाला था क्या वो, उस बंदे से था बल्कि इंस्पेक्टर से जो भी थे, मतलब इससे बात कर रही थी, ये फोन करके पूछ रहा है कि रास्ता कहाँ है, वो कह रहा है भाई ये हॉस्पिटल होगा इससे निकल ले आगे इधर, भाई हॉस्पिटल किस साइड होगा, राइट में होगा लेफ्ट होगा, भाई ये तो बता दे, हॉस्पिटल आएगा उसके बाद बत्ती आएगी, बत्ती तो हर हॉस्पिटल के बाद आएगी भाई, तुम चलते हो कहीं ना कहीं तो बत्ती आ जाएगी, बत्ती के बाद आएगा एक वो पंप है ना, पंप भी आई जाएगा, मैं किसी बत्ती सीधे लेता हूँ कहीं ना कहीं पंप भी आएगा, उसने ये नहीं बताया कि राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा, जो भाई बंदा किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है ना, नहीं नहीं देख आया ठीक है, बत्ती आई देख हॉस्पिटल आया, बत्ती आई पंप आया, फिर वही मैप पे डाला यू टर्न ले लो वापसी जाओ, फाइनली 2-3 घंटा पकाने के बाद, इसका मतलब मुझे पकाने के बाद हम पहुंच गए हैं
लोकेशन पे पकाने के बाद इतनी इंसेन ड्राइविंग करने के बाद रैश ड्राइविंग के बाद तेरे को हेलिक आया रैश ड्राइविंग भाई ऐसे लग रहा स्कूल में सैटरडे होता था व्हाइट व्हाइट कपड़े पहन के आते थे भाई वही वाली शर्ट लग रही है ओए प्रतापगंज गए थे ना व्हाइट कपड़े पहन के मेरी तो वही वाली है स्कूल वाली अबे भाई वो कहां है फूल वाले ढोल वाले हमारा स्वागत नहीं करेंगे स्वागत नहीं करोगे भैया हमारा वेले बोले रहा है अबे वेले भी नहीं है तो कतई बेइज्जती होगी हमारी भाई कुछ सजा आगे 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 गलत जगह तो नहीं आ गए हम अरे भैया कह रहे आगे पूछ ले सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंड काफी लेट हो गए हैं क्या की भाई फुल अच्छा लग रहा था ऐसे चलूंगा ऐसे तो गाइस जैसे हम खाने के लिए गए सारे लोग टूट पड़े भाई सबको अंधी भूख लग रही थी और हम यहाँ पे मैं स्प्राइट लेके बैठा हूँ मैंने पानी लिया था पी लिया बात ऐसी है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग शाम को जिम जाए क्योंकि सुबह नहीं गए सुबह हमें उठ के यहाँ आना था तो हमारा प्लान ये कि यहाँ पे अंधा ठूसना है तो अंधा ठूसेंगे तो एनर्जी रहेगी शाम तक तो जिम भी अच्छा होगा ठीक है तो ये प्लान है ठूसेंगे अंधा यार कुछ मिले तो भाई जहाँ जा रहे हैं वहीं पे भंडारा लगा पड़ा है और हमारी गेस्ट आ गई यहाँ पे मिस तन्वी भाई ये मोजो जोजो वाले चश्मा क्यों लगा इधर से आओ लाइटिंग अच्छी पीछे 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 अरे ये चश्मा बोला वाह बहुत अच्छे लग रहे हो जॉनी ब्रावो की मम्मी लगाती थी ये चश्मा तन्वी यार हमारे हमें बहुत अंधाधुंध भूख लग रही है यहाँ पे मतलब थोड़ी यार तुम कल भी पहले आए थे तुम आज भी पहले आए यार हम ये बात में बोल चुके हैं खाने का कब पहले हो गया वेटर वेटर को बुला दो भी सही मेरा गला इज डेड ठीक है वो आपने बोला था ना व्लॉग में लेना अभी तो हां मैंने इसको बोला था व्लॉग में लेना कि बहुत सुंदर लग रही है अभी तन्वी ट्रिप पे है बट हम तीनों लोग मतलब जब भी वीडियो में आए जिम के कपड़ों में आए तो आज थोड़ा सा डिफरेंट हो गया या या मेरे पूरा अटायर दिखाओ ना हाँ? अभी है तन्वी यहाँ पे करी एक्सरसाइज एचआईटी करी अभी वो बुमरा करे गोल घूमो हाँ इसको स्लोमो करते हैं इसको स्लोमो करते हैं फुल स्प्लिट फटाफट फुल स्प्लिट नहीं बहुत नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं आज थैंक यू तन्वी त्यागी भाई त्यागी तू भी सही लग रहा है ऐसी बात नहीं है बुरा नहीं लग रहा मैं हमेशा सही लग रहा मतलब अगर यहाँ तक देखो ना शक्ल हटा दो तो सही लग रहा है ऐसे करके खराब हो रहा है वीडियो बन रही है नहीं कुछ कुछ बंदे होते हैं अपने ब्लेजर की इस जेब में हाथ डाले खड़े होते हैं भाई ये कौन करता है करके दिखा ये कौन करता है भाई भाई ये बेशरम आदमी है वहां पे दुल्हन आई हुई है और तू यहाँ पे भाई ये लपेट रहा है पनीर इम्पोर्टेंट है वाह खा के नहीं रहा भाई गला दर्द हो रहा है भाई टॉन्सिल हो रहे मैं खा लूं भाई शादी में आइसक्रीम तो खानी बनती है सो गाइस फाइनली खाना वाना खा लिया मैंने अब जिसके लिए मैं आया था यहाँ पे एंड एक्चुअली शादी तन्वी के रियल भाई की थी ठीक है आर्टिफिशियल भाई भी होते हैं क्या कजन नहीं होते रियल और न्यू पीपल ये अपूर्वा है ये यश है ये तन्वी के फ्रेंड्स हैं एंड अब हम घर जा रहे हैं तो भाई जाओ सारा खाना खत्म कर दिया भाई बंदे ने सारा खाना खत्म सो गाइस हम जिम के बाहर हैं पूरा अपना जिम ऊपर एंड सही में थके हुए थे दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे अंधा नहीं आते जब हम वापस आ रहे थे ना आगे चल भाई व्लॉगिंग कर लड़का व्लॉग कर रहा ब्रो तो जब हम वापस आ रहे थे तो मैं इसकी गाड़ी में था इसी गाड़ी से गए थे हम शादी में एंड मैं लिटरली सो गया था गाड़ी में बैठे बैठे इतने थके हुए थे भाई इतना गंदा बंदे ने 10 मिनट की पावर नैप ले ली पावर नैप सुनो सोया आया हूं और ड्राइव भी करी बट ठीक है बट वापस आया आराम से घर में बैठे एक घंटा मैंने थोड़ा सा बिजी था लैपटॉप खोला मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के ईमेल वगैरह आए हुए थे एंड फटाफट एक थोड़े बहुत निपटाए तब मैं जिम आया हूँ क्योंकि यू नो आई नीडेड सम ब्रेक मतलब पूरा वेट्स वेट्स एंड मैं कभी हड़बड़ी में क्लाइंट्स की ईमेल का रिप्लाई नहीं करता बिकॉज वो ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए मैं घर जाके आराम से सुकून से आई विल गेट बैक टू इट अच्छा जी ये भी है मार्केट में भाई ये भी है मार्केट में ओहो व्लॉगर ओहो व्लॉगर यूट्यूब फैन फेस्ट में आएगा भाई तू अगले साल वाह फैन फेस्ट सो गाइज वी आर डन विद द वर्कआउट एंड बहुत मज़ा आया बहुत ही मतलब मैं सही बता रहा हूँ खतरनाक वर्कआउट हुआ है एंड आपने देखा कि आई वेंट क्वाइट हैवी ऑन माई मशीन स्पोर्ट्स बहुत अच्छी मशीन मेरे को बहुत पसंद है वो और शाम की ना जिम की वाइब थोड़ी अलग है नहीं नहीं टू बी ऑनेस्ट लाइक मैंने अपनी स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करी है मैंने बताया कि आई हैव स्लिप्ड डिस्क
दो ढाई साल पहले लेग्स ट्रेन करना मेरे लिए, ढंग से ट्रेन करना मेरे लिए एक सपना टाइप होता था कि भाई अच्छा लेग वर्कआउट हो जाए, नहीं होता था। सालों मैंने ऐसे लेग्स ट्रेन करी है कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग लेग्स मैं करता था, कंफर्टेबल नहीं था। बट टुडे लाइक फास्ट फॉरवर्ड 2-3 ईयर्स इतने सही वर्कआउट हो रहे हैं, आई कैन स्क्वाट, मैं डेडली भी कभी कभी कर लेता हूँ। सो अच्छा लगता है यार, ठीक है, मतलब मज़ा आता है, बढ़िया है। एंड आई कैन से दैट लेग्स इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट, लेग्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, यू नो बाय, बिकॉज आई डिडंट गिव अप। ऐसा नहीं था मैं स्क्वाट्स नहीं कर सकता था तो मैं रोता रहता था भाई यार क्या था क्यों कर, हाँ मैं रोता था, मैं नहीं ढंग से कर पाता था, लेकिन आई स्टिल डिड दी एक्सरसाइजेज जो मैं कर सकता था, जो मेरी बॉडी ने मुझे अलाउ किया। एंड ऑल थैंक्स टू मी, नहीं टू माई एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लिटिल मोटिवेशन जो आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरे को अपनी खुद की ये सारी हरकतें मोटिवेट करती है कि मोहित भाई दो ढाई साल पहले तू इंजरी से डाउन था, तूने गिव अप नहीं करा, ठीक है। मतलब यू, मतलब मैं स्टिल छोटे कदम लेता था, लेकिन लेता था, मतलब आई केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड, एंड नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो थोड़ी सी मोटिवेशन चीज देनी थी, अब घर चलते हैं। अभी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट। सो अभी मैं वैसे वीडियो एंड करने वाला था, लेकिन नहीं, समथिंग इंपॉर्टेंट कमिंग अप। सो गाइज अब देखो, हमने बाइक रोड के साइड में खड़ी करी है एंड दोनों ने कैमरा निकाला और हमने ये जो आपने अभी टाइम लैप्स या वीडियो देखी हमने शूट करी। सो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक टू ईजी बींग अ मतलब यूट्यूबर या ब्लॉगर, आपको हर एक चीज़ एक मतलब क्या बोलते हैं फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ती है। हम दोनों लेट हो रहे हैं बट हमें लेना पड़ा है 5 मिनट का ब्रेक जस्ट टू रिकॉर्ड जो आपने अभी देखा। सो अब घर चलते हैं। सो गाइज आई एम बैक होम एंड अब मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है अबाउट माई लास्ट वीडियो। एंड मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे सिमिलर टाइप के, इसलिए मैं उन्हें एड्रेस करना चाहता हूँ। एंड दोज कमेंट्स वर अबाउट मिस्टर गौरव तनेजा, एंड येस जो मेरी वीडियो में ब्लू कपड़ों में इंसान आए थे वो मिस्टर गौरव तनेजा ही थे। तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे तो मैंने सोचा उन्हें एड्रेस कर दूँ, बिकॉज क्योंकि वो बहुत सारे थे भाई, तो इसलिए मैंने कर देता हूँ एड्रेस। तो कुछ लोगों ने बोला था कि भाई, मतलब कुछ लोग मुझे ऐसे बता रहे थे कि भाई ये गौरव तनेजा है, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि जैसे मुझे नहीं पता होगा कि गौरव तनेजा भाई इनका चैनल देख फिट मसल टीवी फ्लाइंग बीस्ट। तो गाइज मैं भी एक लाइक फिटनेस यूट्यूबर हूँ, मतलब मैं फिटनेस/बकचोदी यूट्यूबर हूँ, तो मुझे पता है ऑब्वियसली वो कौन है, ही इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर इस फील्ड में, सो आई ऑब्वियसली नो, ठीक है। और मुझे कॉमेंट्स आए थे कि भाई मोहित तेरे में कितना एटीट्यूड है, तेरे में कितना ईगो है, तेरे सामने गौरव तनेजा, तूने बात भी नहीं करी, तूने हाय भी नहीं बोला, एंड स्टफ लाइक दैट। सो गाइज जस्ट बिकॉज वो कैमरे में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनसे बात नहीं करी, ऐसा थोड़ी कि भाई वो मेरे से मिलेंगे तो और गौरव सर प्लीज 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 सर हाय सर हाय सर एक बार स्माइल कर दो सर, आपकी फोटो का स्क्रीनशॉट लेके क्लिकबेट मारूंगा सर, OMG मेट गौरव सर, मतलब मैंने ये नहीं किया, बट मेरी उनसे हल्की सी कॉन्वर्सेशन हुई थी, मैंने ऐसी बोला और सर आज वीडियो नहीं बना रहे ऐसे स्माइल करते हुए, उन्होंने भी रिप्लाई में ऐसे स्माइल बैक कर दिया, हम दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस में थे, वो अपनी मशीन कर रहे थे यूज़ कर रहे थे, मैं अपनी मशीन यूज़ कर रहा था, तो जैसे ब्रीफ सा मतलब थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई थी हमारी। एंड आई थिंक उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे ऑब्वियसली पता है वो कौन है, ही इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर। एंड काफ़ी लोगों का आया कि भाई प्लीज़ कोलैबोरेट विद हिम, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में, यू बोथ आर माई फेवरेट यूट्यूबर, सो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के पहली बात। एंड गाइज देखो बात ऐसी है कि ही इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर, ठीक है, उनके लाइक 7-8 लाख्स अराउंड दोनों ईच चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं, एंड आपके भाई के भी लाइक 54,000 है, ठीक है। तो इफ़ वी कोलैबोरेट, लाइक हाइपोथेटिकली इफ़ वी कोलैबोरेट, तो उसमें मेरा ही फ़ायदा होगा, ठीक है, बिकॉज उनके चैनल पे अगर मैं फीचर हो रहा हूँ या मेरे चैनल पे मैं फीचर वो उनको फीचर कर रहा हूँ, मैं नाम भी दे रहा हूँ फीचरिंग गौरव तनेजा OMG आई मेट गौरव तनेजा, सो मुझे व्यूज़ आएंगे एंड मेरा मतलब इन शॉर्ट फ़ायदा होगा क्योंकि मेरे कम सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। बट उनको कोई फ़ायदा नहीं है इस डील में, अगर इफ़ यू कोलैबोरेट उनको कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उनको पहले से ही फॉलो कर रहे होंगे, बिकॉज ही इज़ लाइक वेरी पॉपुलर। सो मैं आपको मतलब एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि मैं उनको अप्रोच कर ही नहीं सकता हूँ अभी, बिकॉज मेरे पास कुछ ऑफर करने को नहीं है उनको। जैसे यूजुअली यूट्यूबर्स ऐसे ही कोलैबोरेट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा फिट मसल ये गौरव तनेजा, मिस्टर गौरव तनेजा एंड बियर बाइसेप्स, आई फॉरगॉट इज नेम, बियर बाइसेप्स का कोलैबोरेशन हुआ था, ठीक है। तो दोनों के ही काफ़ी हाई सब्सक्राइबर्स हैं, एंड बियर बाइसेप्स के चैनल में गौरव तनेजा आए थे, उन्होंने वीडियो भी डाली थी, एंड गौरव तनेजा के चैनल में बियर बाइसेप्स आए थे उनकी वीडियो डाली थी, तो ये क्रॉस प्रमोशन हो गई। अब बियर बाइसेप्स के चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स थे जो गौरव सर को नहीं जानते थे,
तो वो उधर आ गए होंगे एंड गौरव सर के चैनल में जो सब्सक्राइबर्स थे जो बियर बाइसेप्स को नहीं जानते होंगे वो इधर आ गए होंगे क्रॉस प्रमोशन ठीक है. बट मेरे पास कुछ ऑफर करने को नहीं है बिकॉज अभी आई एम अ थोड़ा उभरता हुआ यूट्यूबर एंड इसलिए मतलब देर इज नो पॉइंट अप्रोचिंग हिम. बट इफ इन फ्यूचर आई बिकम अ बिग यूट्यूबर डेफिनेटली मतलब आई विल अप्रोच हिम. बट ठीक है तब तक चल रहा है काम चल रही है जिंदगी बढ़िया चल रहा है. एंड ये इशू मैं सिर्फ इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ बिकॉज कॉमेंट्स बहुत सारे थे और अभी भी मेरे को इंस्टा पे भी आते रहते कॉमेंट्स आते रहते उनकी इंस्टाग्राम की फोटो में लोगों ने मुझे टैग किया हुआ था तो आई थॉट लेट्स से जो मुझे लगता है. एंड क्यों हो गया यार मुझे ईगो प्रॉब्लम आप लोग ऐसा बोल भी क्यों रहे मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं किसी से भी नहीं है. एंड मैं बस यार अपनी वीडियो बनाता हूँ मुझे मज़ा आता है एंड आप लोगों को मेरी वीडियो देखने में मज़ा आता होगा तो बढ़िया मतलब मैं खुश हूँ बाकी चल रही है ज़िंदगी बढ़िया. हाँ एक सांस में करे वाला टेक इससे पहले 3 टेक ले चुका हूँ मज़ा नहीं आया था उसमें. सो गाइस दैट्स इट एंड अब सोते हैं बहुत लेट हो गया हूँ. ये देखो आप ये कर लोगे सच बताना ये कर लोगे सही कर रहा हूँ कि नहीं कॉमेंट करो नीचे बचपन में करते थे. सो अब होगी बहुत बकचोदी. दिस इज मोहित बेस्ट आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय.